अच्छा आप एक बात विचार करिए कि सुख और दुख कौन भोगता है? शरीर। लेकिन शरीर तो जड़ है, इसको तो उसकी अनुभूति नहीं होती, और आत्मा इन सबसे निर्लेप है। अच्छा दूसरा कभी आप विचार करिएगा कि मुक्ति किसकी होती है? आत्मा की मुक्ति की विचार करना इसलिए उचित नहीं है कि आत्मा तो सर्वथा मुक्त ही है। आत्मा अविनाशी का अंश है, इसलिए आत्मा तो मुक्त ही है, नित्य मुक्त है आत्मा। और शरीर कभी मुक्त हो नहीं सकता, शरीर तो जड़ है, या तो जल जाएगा, गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा करके विष्ठा बना देंगे, कृमि खा जाएंगे, या भस्मी बन जाएगा, या पानी में बहा दिया जाएगा तो जल जंतु खा जाएंगे। तो फिर उस मुक्ति की किसके लिए कही गई ये बात? बोले बंधन और मोक्ष मन का है, और सुख और दुख का भोगता भी मन है, मन ही अनुभव कर लेता है इसमें सुख है इसमें दुख है। उदाहरण दें, रात्रि के 11 बजे हो, 11:30 बजे हो, और ससुराल पक्ष से कोई आ जाए, वो कहेंगे कि लो ये फोन नहीं कर सकते थे पहले से, अब इतने बजे चले आ रहे हैं, अब हम अभी सारे बर्तन साफ किए, अभी सारा घर साफ किया, अब सोने का टाइम, इतनी ठंड, और जैसे तैसे रजाई में दुबके नहीं कि इन्होंने बेड में आ दी। पहले से नहीं कह सकते थे? होटल में खा के नहीं आ सकते थे? आना ही था तो भोजन करके आते, इतना लेट आए तो कोई भोजन का समय? अब फिर से इनको बनाओ और मायके से आ जाए, और रात के बजा हो 1:30, वो कहे कि नहीं देखो हम तो स्टेशन पर ही भोजन तो वहीं कर लिया था। अरे ऐसे कैसे कर लिया था, इतने दिन बाद आए हो, थोड़ा हलवा तो बनाई देते हो। अरे वो ट्रेन लेट हो गई इसलिए लेट हो गया, नहीं मुझे आना तो जल्दी था, लेट हो। अरे कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर है, कोई अलग थोड़ी है, आ गए जितने बजे आ गए, क्या बात है उसमें, जब मर्जी चले आओ। तो एक व्यक्ति रात को 1:30 बजे आ रहा है तब भी हमें तकलीफ नहीं हो रही, हम बड़े प्रसन्न होकर के उसकी सेवा कर रहे हैं। एक व्यक्ति 11:30 बजे आ रहा है उससे भी हमें तकलीफ हो रही है और हम मुंह बना रहे हैं, तो जागना तो दोनों के लिए पड़ रहा है, काम तो उतना ही है, लेकिन एक को हमने अपना मान रखा है तो उसके आने से हमें हर्ष हो रहा है, एक को हमने पराया मान लिया है इसलिए उसके आने से हमें तकलीफ हो रही है। ये अपने मन की मान्यता है। मन जिसको अच्छा मान लेता है उससे सुख मिलता है, और मन जिसको बुरा मान लेता है उससे दुख होता है। पराया मान ले उससे दुख होता है, ना सुख कुछ है ना दुख कुछ है, ये मन का भाष है। मन ने जिसको अनुकूल मान लिया उसमें सुख है, और मन ने जिसको प्रतिकूल मान लिया उसमें दुख है। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को, और देखिए वीडियोस सबसे पहले।